आसपास से लोग कहते भी थे कि नाना जी को के पढ़ाने भेज रहे हो और ये बनाएंगे मास्टर नहीं बनेगी ये तो हाँ तो मुझे ये था खाली हाथ नहीं जाना मैं कोई भी जॉब लेके जाऊं हेलो फ्रेंड्स

तो अभी एकता से कुछ कुछ बातें करेंगे और बताएंगे एकता अपने बारे में एकता है अभी ट्वेंटी सिक्स की और क्या उनकी जर्नी रही क्या क्वालिफिकेशन रही वो एकता बताएंगे वैसे हम लोग थोड़ा हमारा दोस्ती वाला बॉन्ड बन गया बहुत बातें बातें हमने कर ली हैं पहले भी हम मिले थे एक दिन गलती से कैफे में मिल गए थे लकीली लकीली मैम गलती से राइट <laughs> तो हम शुरू करेंगे एकता की क्वालिफिकेशन से एकता पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन और कैसा लग रहा है वो बताओ थैंक यू सो मच मैम बड़ा अच्छा लग रहा है आपने बी किया बी एस और BSC, और हैं एड झज्जर से जजर हां मेरी ग्रेजुएशन है एमडीयू से हां हाँ। और एमएससी भी मास्टर्स भी एमडीयू से और बीएड भी बीएड मैंने अभी कंप्लीट किया 2019 में ओके और बीएड की साइकोलॉजी सीटेट की साइकोलॉजी बोथ आर ड्यू टू यू फुल क्रेडिट टू यू कोई 150 रुपया नहीं दिया गया इनको <laughs> कोई 150 रुपया नहीं दिया गया क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पहले ना तो इंट्रोड्यूस थी मैं साइकोलॉजी से कैसे करनी कर अलग था बिल्कुल फील्ड ही बिल्कुल अलग था और बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसमें क्या है कैसे पढ़ना है और बुक से पढ़ना थ्योरेटिकल पढ़ना मैं तो समझ ही नहीं आता था तो सिर्फ आपकी वीडियो देखी 1 आवर की है 30 मिनट्स की है और जो शॉर्ट है 15 मिनट की है सारी वही देखी और आपके अलावा किसी और टीचर्स की भी नहीं देखी और स्कोर भी बड़ा अच्छा किया 27 29 ट्वेंटी नाइन आए आउट

और इसी दौरान आप पेडोलॉजी से इंट्रोड्यूस हुए क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैथ्स है या जिनका साइंस है जिनका, जिनका बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है पैडोलॉजी दूर दूर तक भी नहीं पड़ी उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और फिर आपने जब इसकी तैयारी की जो आपका दो नंबर का पेपर होता है टी जी मैथ्स में और आप नाइन्थ सॉरी सिक्स टू टेंथ के, 10th के पढ़ाएंगे भी पढ़ाएंगे अभी मैथ्स तो उसमें दो नंबर जिसमें सौ नंबर का मैथ्स आएगा और सौ नंबर के आपके बाकी के पांच सब्जेक्ट पार्ट ए डी प्लस बी में सभी के लिए कॉमन रहता है वो सारे पेपर में ही तो कैसे आपने पार्ट ए की तैयारी की और कैसे पार्ट बी की की वो बताइए पार्ट ए की मैम मैंने पहले ऐसे की तैयारी की थी फिर बैंकिंग की की है उसके बाद मैंने टीचिंग की की है तो पार्ट ए मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया एसएससी और बैंकिंग की वजह से ये ये आपने ग्रेजुएशन के के टाइम से शुरू कर था। मैं, मास्ट्रस मास्ट्रस शुरू कर दिया मैंने मैंने नहीं मास्टर्स, बाद किया था? तो मैथ भी ऐसा लग रहा था कि मतलब बेसिक है ज्यादा कुछ अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ी इस पेपर के लिए और सेम रीजनिंग का है और हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश का भी मैंने एस के दौरान ही मेरी तैयारी हो गई थी हिंदी का ऐसा मैंने यूट्यूब से जितने भी मैराथीन वीडियो है उनसे किया है और इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट तो हो ही गए जीएस मेरी पहले से ही मतलब थोड़ी वीक है तो जीएस की मुझे जितनी स्टोर नॉलेज थी कुछ करंट अफेयर ज्यादा आए थे और लकीली लगा लो या मेरी शिफ्ट में मुझे लगा ही जी क्वेश्चन थे जैसे एक ये आया था कि सिक कौन है और उस टाइम पे मिस वर्ल्ड कौन है तो करंट अफेयर से जितना कुछ था वो कवर अप हो गया था बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे हिस्ट्री के वो बी में प्रिपेयर हो गए थे तो मुझे पार्ट वन के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े तो चार पाँच क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर से हाँ चार पांच क्वेश्चन आते वो हो गए थे बाकी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे बहुत सारे जैसे मैं डेली एक टेस्ट देती थी, ट्वेंटी ट्वेंटी uh, मार्क्स के हैं, फोर्टी के हैं, सेक्शन वन का मैंने पढ़ा नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट दिए जो दिया जिसमें मुझे समझ नहीं आया हुँ. वो लिख लिया हुँ. उसकी प्रैक्टिस की बार बार हुँ. ऐसे किया था हुँ. और सेक्शन टू का जैसे मुझे पता चला ये अभी पेपर है हुँ. मैंने तैयारी शुरू की थी मतलब 35 टू 40 डेज पहले अच्छा। तो उसमें मतलब कि पर्टिकुलर इस एग्जाम को अब टारगेट हाँ, करना है क्योंकि आप बाकी एग्जाम्स पे फोकस बाकी था बाकी मेरा बैंकिंग हाँ। की तरफ था फोकस फिर मैंने देखा कि अभी पेपर आ गया है और अभी इस पे डीएसएसबी पे फोकस करना हुँ। है हुँ। तो उसका मैंने पहले तो सिलेबस निकलवाया टॉपिक्स कौन-कौन से हैं फिर कुछ टॉपिक आप कैसे हैं जो ये लगा लो जो आपको बहुत इजीली आते हैं जिसमें मेहनत नहीं करनी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कुछ टॉपिक ये है जो ब, बेसिक क्लियर ही नहीं है जिनके जैसे मेरे कुछ थे पैराबोला एलिप्स ये वाले पजलिंग है मतलब मैं कितनी भी तैयारी कर लू मैं उसमें लास्ट में जाके पजल होती हूँ नोट्स भी बना लिए तो भी रिपीट करो तो पजल हाँ ये मेरा सेक्शन बी का है तो उसमें मैं पजल हो जाती थी तो मैंने पहले सिलेबस निकाला अपना प्रीवियस ईयर देखा निकलवाया प्रिंट आउट मैंने पूरा प्रीवियस ईयर सोल्व किया जितना सोल्व हुआ ठीक है बाकी उसका सोल्यूशन यूट्यूब से ही देखा है मतलब मोस्टली तैयारी मैंने यूट्यूब से ही की है उसका सारा सोल्यूशन देखा लिखा सारा सोल्यूशन फिर कुछ एक दो बुक्स जो मेरे पास पहले से ही थी स्टोर्ड मैंने पहले एग जैम की तैयारी शुरू की थी ग्रेजुएशन के बाद अच्छा तो हाँ जी आई आई टी जैम की और मैंने इंट्रेंस की भी तैयारी शुरू की थी जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर एम डी यू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इंट्रेंस करना होता है और उस टाइम पे मेरा हो भी गया था तीन चार यूनिवर्सिटी में और सब में मतलब ये लगा लो टॉप रैंक में थी मैं अच्छा। जी जे यू हिसार है जो और एम डी यू है फिर डी यू है के यू है मैंने इन सब में अप्लाई किया था तो मेरा हो गया था तीन से चार यूनिवर्सिटी में तो उस टाइम की मेरी बुक्स रखी हुई थी अब तक अगर मैं डेली अपना शेड्यूल बताऊं तो ये था कि मैंने पूरा दिन पढ़ाई कर ली और शाम तक मैंने बहुत सारे सर्कल लगा लिए ये क्वेश्चन डाउट में है डी लगा लिया ये क्वेश्चन डाउट में नहीं आ रहा। और शाम को जैसे हमारे कुछ हम कॉमन फ्रेंड तैयारी कर रहे थे तो शाम को उनसे मिलते और एक से डेढ़ चलती थी क्वेश्चन है या क्वेश्चन ही गलत है मुझे कुछ कुछ ऐसा होता है कि ठीक है लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा तो मेरा एक से डेढ़ घंटा यही रहता था कि ये समझ नहीं आ रहा

क्योंकि वो MCQ वाली बुक आपने पहले पढ़ी थी। हुँ. बट आप वो जो चालीस दिन थे उसमें आपने सारा निचोड़ पूरी मेहनत करके उस चीज़ को रखा और किस तरह के पेपर आ रहे हैं उस टाइम पे देखा भी होगा तो होंगी मैम मेरा ऐसा है की हार्ड वर्किंग मतलब जैसे बेसिक से क्वेश्चन होते मेरे मुझे शॉर्टकट नहीं आता मान लो कोई भी क्वेश्चन है जो शॉर्टकट से हो सकता है लेकिन मैं लेट एक्स दिस तो एक्स

मतलब वो एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है डिपेंड करता है कि कहाँ बैठे हुए कितना टाइम लिमिट है कैसे बट आपने पेपर निपटा दिया था डेढ़ घंटे मतलब में पेशेंस नहीं है मेरे अंदर <laughs> तो मुझे रहता है जल्दी 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 <laughs> जल्दी कर दो जितना जल्दी <laughs> कर सकते हो कर दो तो वो एक्स मान के भी बड़ा जल्दी जल्दी अच्छा एक्स ये है वो है टाइम प्रॉपर अच्छे हैं फिर वो आपने प्रैक्टिस उतनी की हुई है कि वो कभी उतना टाइम आपका कंज्यूम नहीं होता जनरली हो जाएगा अगर कोई इंसान पहली बार मतलब मैं पूरा ऐसे नहीं लिखती हूँ जैसे सोल्यूशन करते थे बचपन में कि एक्स ये है तो ऐसे करके यूँ हाँ थ्री एक्स टू एक्स हो जाता है तो बट आप करते हैं अपने बेसिक तरीके से हाँ बेसिक तरीके से करती ठीक <coughs> बात है तो आपने डेढ़ घंटे में पेपर निपटा लिया था क्योंकि आपने इतने सारे मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हुए थे फिर वो बैंकिंग में पेपर दिया था एक बार तो उससे भी मदद मिली होगी कुछ तो उनसे कुछ ये लगा लो फ्रेंड्स ने ऐसे डरा रखा था कि लास्ट सेक्शन तक जरूर जाना है हाँ। ऐसे धीरे धीरे मत चलना कहीं ना पहुंचे क्या पता आगे इजी क्वेश्चन आगे इजी क्वेश्चन आए तो वो इजी क्वेश्चन आए आए करके मैंने डेढ़ घंटे में पेपर कर ही लिया और लास्ट क्या आधा घंटे में उन्हें दस पांच क्वेश्चन पे सोचती रही कि इनका क्या करूँ ने क्योंकि वो आगे पीछे नहीं जा सकते ना आपने एक बार अगर एक सेक्शन सबमिट कर दिया नंबर के क्वेश्चन बीस बीस क्वेश्चन आपके सामने आते जाते हैं डी प्लस बी के एग्जाम में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और वो बीस करने के बाद आप वापस उन बीस पे नहीं जा सकते नेक्स्ट बीस पे जा सकते हाँ हैं और नेगेटिव अटेम्प्ट भी होते हैं हाँ, नेगेटिव भी नहीं कर सकते तो आपने टोटल अटेम्प्ट किया था 154 और आपके जो मार्क्स है वो ट्वेंटी फोर हाँ जी बहुत बढ़िया तो मेरा ये मैं नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करती मैं हाँ, मतलब आप ऐसे नहीं है की सारा पेपर ही करके आना बिल्कुल हाँ, भी नहीं मेरा ये होता है की पहले मतलब अगर मैं अपनी स्ट्रेटी बताऊँ तो मान लो ट्वेंटी क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने है तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखा आ रहा है ऐसा लग रहा है जल्दी हो रहा है तो सोल्व कर दिया अगर मुझे लग रहा है ये हो रहा है हो जाएगा लेकिन एक मिनट में होगा तो भी मैं स्किप कर देती हूँ मतलब मैं पहले जल्दी जल्दी एक बार ट्वेंटी क्वेश्चन पे जाऊंगी कर फिर दोबारा से आऊंगी फिर जो उससे भी कम टाइम में हो रहा है वो करूंगी फिर तीसरी बार उनप घूमूंगी अगर हो रहा है ठीक है नहीं।, नहीं हुआ छोड़ दिया चलो ऐसा है। मतलब मैं एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ और ना ही अटेम्प्ट लेती हूँ होगा कि नहीं होगा तो भी मैं छोड़ देती हूँ नेगेटिव अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं लेती हूँ बहुत ही कम लेती हूँ और जितने नेगेटिव हुए ये मैथ्स या रीजनिंग इनमें नहीं होंगे ये उन सब्जेक्ट्स में जहाँ मुझे डाउट होगा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट हाँ पेडागोजी के

ने जो अपना बताया बिल्कुल ऑनेस्टली कि आप हार्ड वर्किंग हो भाई हाँ। और मुझे भी ये लगता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग होते हो तो या तो आप स्मार्ट तरीके निकाल लोगे या कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि आपने मेहनत तो की है वो बर्बाद तो नहीं जाएगी तो वो एक चीज रही एकता के केस में बाकी सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है आपको ये देख करके खुद से अपनी स्ट्रेटेजी निकालनी है कि भाई मेरे लिए क्या काम करेगा चार बातें एकता में अच्छी हो सकती हैं जो आपके लिए अप्लाई हो जाए आप अप्लाई कर पाए चार बातें विशाल की हो सकती हैं पांच बिंदु की हो सकती हैं चार किसी और की हो सकती है मनीषा की हो सकती है तो इट डिपेंड्स बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कुछ आप कहना चाहोगे कि आपने अलग अलग जगह पे आपके दिमाग में ये था मास्टर्स के बाद से कि भाई नौकरी तो लेनी ही है और फिर आपने अलग अलग जगह पे अटेम्प देना शुरू किया तो उसका आप थोड़ा सा अगर बताओ कि

घर वाले बोलेंगे कि भाई वो भी तो उसको गई भेजा था पढ़ने के लिए आ, उसको भेजा तो, तो बहुत था वो तो खा लिया हाँ था गई हाँ। तो मुझे ये था मैं कोई भी जॉब लेके जाऊ ऐसा तो करूँ की कोई और बच्चा आना चाहे तो वो एग्जाम्पल दे की वो दीदी गए हैं उन्होंने भी तो कर लिया ना हम भी कर सकते हैं तो ये भी एक मैं प्रेशर फील करती थी मतलब तैयारी के टाइम पे की मुझे कुछ करना है ताकि और बच्चे आ पाए और फिर मेरा ऐसा फिक्स नहीं था की मुझे एक होता है ना ड्रीम जॉब तो मेरी अलग है तो मुझे ये था कि अभी फिलहाल मुझे कहीं स्टेबल होना है उसके बाद मैं सोचूंगी कि अपनी ड्रीम जॉब के लिए कैसे क्या करना है तो इसके लिए मेरा ये था कि एसएससी हो बैंकिंग हो टीचिंग हो कुछ भी हो पहले कुछ हाथ में आए कुछ। हा, मेरे हाथ में जॉब हो और था था। क्लास में हमारा सबका यही चीजें थी तो फिर मैंने एस के लिए किया जैसे तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी डिस्कस कर रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम पे मुझे ऐसा था कि मेरा प्री निकल जाएगा लेकिन वो रह गया नॉर्मलाइजेशन या वाई जेड जो भी रीजन था उसके बाद मैंने बैंकिंग की की तो बैंकिंग के मेरे प्री निकल थे सारे मैंने मेन्स दे दिए थे तीन चार मेन्स दे दिए थे उसके बाद मैंने डीएसएसबी के लिए तैयारी की तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी एक जगह पे बिल्कुल भी स्टक मत रहो बिल्कुल भी नहीं अगर आप एस कर रहे हो तो ये नहीं कि एस पे ही स्टक रह गए नहीं निकल रहा तो एनी हाउ मुझे एस ही करनी है या बैंकिंग का कर रहे हो तो बैंकिंग नहीं निकल रहा तो मुझे बैंकिंग ही करनी है नहीं और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जब तक दूसरे फील्ड में जाओगे नहीं एक्सप्लोर नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा हम किस चीज के लिए बने हैं और मैम जो तैयारी कर रहे हैं ना मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है लगा लो या मेरा ओपिनियन है मुझे लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं हम किस चीज के लिए बने हैं अगर आप एक चीज को इतना सोचोगे सोचोगे तो आपको चाहिए वो चीज मिल जाए मान लो कोई भी आप जॉब टारगेट करके चल रहे हो ये करना है तो इतना सोचोगे तो आपके दिमाग में सारा दिन वही चीज घूमेगी आपको लगेगा हमें यही लेना है लेकिन जब तक आप उस फील्ड में नहीं जा रहे उस जॉब में नहीं जा रहे आपको पता ही नहीं वो आपके लिए सही है कि नहीं जैसे आपका टीचिंग में इंटरेस्ट या मतलब आपका कोई रुझान नॉर्मली नहीं था हाँ नहीं बट आपने एक तो टाइम के साथ देखा या किसी ने सजेस्ट किया भाई अभी एमएससी होगी तो चलो साथ में साथ में बी एड भी कर लो बेश तैयारी करते रहो कर रहे जिसकी भी करनी है और जब आपने ये आप अभी बता रहे थे मुझे कि आप ही बताओ कि जब ये गेस्ट टीचर वाला टीचर किया, का ज्वाइन किया हाँ। तो फिर मुझे पता चला हाँ मतलब जॉब में मुझे सुकून है कि मैं खुश हूँ टीचिंग में बहुत खुश हूँ मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है पढ़ाना अच्छा लग रहा है और मैं पढ़ाने के लिए खुद पढ़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे बताई जा रही है ठीक है समझ आ रही है और तरीके निकालू जिसे समझ आ सकती है और एग्जाम्पल लेके आऊँ या एक क्वेश्चन किस तरीके से करा सकती हूँ तो अब मैं टीचिंग में खुश हूँ सेटिस्फाई हूँ मतलब मैं कह सकती हूँ टीचिंग की जॉब से अच्छी शायद नहीं हो सकती थी अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि अच्छा हुआ, नहीं हुआ अच्छा हुआ, <laughs> के नहीं हुए ताकि मैं मैं में आ गई अगर हो जाते तो शायद मैं वो हम बाद, में नहीं नहीं कर हां, बाद में कनेक्ट हां। कर पाते बाद में कर पाते उस पे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ जैसे सबका क्वेश्चन होता है या मैंने क्यों नहीं किया लेबल करने लगते फेलियर एक अटेम्प्ट दिया दो अटेम्प्ट दिया सकता बच्ची रही हूँ मैं फर्स्ट क्लास से लेके और अभी ट्वेल्थ ग्रेजुएशन तक मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आई हूँ अच्छा। मतलब मेरी स्कूलिंग में एक क्लास थी नाइन्थ थी शायद जिसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आई थी वरना मैं हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन लिया और एसएससी के टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं खुद भी ऐसे क्वेश्चन मार्क की मैं तो मतलब ऐसे अच्छी बच्ची हूँ पढ़ाई में बड़ी हुँ। अच्छी हूँ इंटेलिजेंट हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं ना वो फील्ड आपके लिए बना है वहां exactly. पे मेरा मैथ रीजनिंग इतना स्ट्रांग मेरा जीएस स्ट्रांग नहीं था तो मैं उस जीएस की वजह से हर बार लैक कर जाती थी पीछे तो मुझे लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर सकती और बहुत सारे फैक्टर है अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें काम करती है अगर आप इस बेसिस पे खुद को जज करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मतलब किसी को भी मुझे लगता है की अगर आप सही मेहनत करने में लगे हुए तो आज भी तो कल रिजल्ट आता है और वो सारे डाउट्स धुल जाते हैं अभी बाकी लोगों को भी मुझे लगता है होप लगी आपके गाँव में जो लड़कियां हैं और मतलब मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी समझे की भाई बाहर भेजना

तो बहुत सारे बच्चे हैं कि मान लो किसी का ड्रीम है और उसका मैथ्स वीक है और उस, जिस सब्जेक्ट में वो कर रहे हो उसमें मैथ्स ही आ रहा है तो वो उसकी वजह से बार बार पीछे रह जाएंगे लेकिन वो तैयारी करेंगे ये सोच के कि मैथ्स कर लेंगे मैथ्स कर लेंगे हुँ, हुँ, जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मतलब जाओ उनकी तरफ और देखो मतलब जहाँ पे अच्छा लग रहा है वहां करो तो जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उस टाइम पे भाई आपको पता है आपने एमएससी कर लिया और आपको तैयारी करनी है तो आपको पता था चलो बी कर लेते हैं इतना टाइम है साथ साथ तैयारी कर लेंगे तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल एटलीस्ट उनको देखो एक्सप्लोर करो और फिर मेहनत उस हिसाब से और जो बात एकता ने कही मतलब मैं बहुत रिलेट भी कर सकती हूं या कह है सकते हैं मेरी मतलब मेरी मदर का एग्जाम्पल दिया जाता है आज भी उनके गाँव में कि उनका यही वाला सीन था कि उनके आसपास कोई पढ़ा नहीं था आसपास के गाँव में भी लड़कियां पढ़ती नहीं थी और आसपास से लोग कहते भी थे कि हाँ मतलब मेरे नाना जी को कि पढ़ाने भेज रहे हो और ये बनाएंगे मास्टर नहीं बनेगी ये तो वो सच में बन नहीं वो तो ये होता है बचपन में, तक तक मैं में क्योंकि मम्मी के गांव रही हूँ कुछ काफी सालों तक तो तेरह चौदह साल तो वो मैंने देखी है चीज मतलब लोग आसपास एग्जांपल देते हैं कि यार उनकी बेटी है ना वो दिल्ली में मास्टर नहीं है तो लोग पढ़ाने को बढ़ावा देते हैं तो एक इंसान अगर चेंज करता है तो बाकी लोगों को होप मिलती है हमें लग सकता है कि यार टीचिंग की नौकरी है बहुत बड़ी नौकरी थोड़ी है ये हुआ बहुत सारी चीजें चेंज होती है एक इंसान के चेंज करने जैसे हमने मेरी तैयारी की है मैंने घर से बाहर आके की है तो घर से बाहर आके फिर रहना सारी चीजें मैनेज करना और फिर जवाब दे भी होती है घर वालों के लिए जैसे हर वीकेंड पे पूछ हैं, कब का एग्जाम रिजल्ट हाँ। कब आया कैसा रहा हाँ। कब आएगा हुआ कि नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उनसे भी चार तो लोग पूछते होंगे कि आपकी बेटी तैयारी करे हाँ। कब तक चलेगी तो हाँ। तैयारी तो के दौरान ऐसा हाँ। होता है इंसान शुरू हाँ। में तो तैयारी कर रहा है जब रिजल्ट हाँ। नहीं आता ना तो हम खुद ही छुपने लग जाते हैं कहीं ना जाए फंक्शन में ना जाए कोई पूछेगा क्या कर रही हो रिजल्ट नहीं आया तो बहुत प्रेशर हो जाता है तो मुझे लगता है की ठीक है फोकस्ड रहो करो और मेरे में मैम मतलब जुनून लगा लो ये है कि अगर मैं करने लग गई ना वो मैथ्स के लिए तो बहुत ही प्यार है कि मैं मैथ्स करने

में हेल्प भी करना चाह रहे हैं बच्चों की और जो अच्छे भी थे मतलब उन्होंने मेहनत भी की है इधर उधर और वो सही जगह उनको मिल पाई है टीचिंग मतलब ये मैं एक दो साल पहले का या शायद तीन चार साल पहले का वीडियो मैं कल परसों देख रही थी अपना ही कि मैं ये कह रही थी कि टीचिंग को ना फैसिनेशन बनाना है।, कि मतलब ये है एक तरह से कि टीचिंग जनरली बात क्या होती है कुछ नहीं हो रहा चलो टीचर बन जाते हैं टीचर मतलब वो वाला फैसिनेशन नहीं है जबकि टीचिंग इतना रिस्पेक्टेबल फील्ड है या जब आप डायरेक्ट बच्चों से कनेक्ट करते हो वो एक नेक्स्ट लेवल जाती है चीज तो वो चीज हो पा रही है अब मतलब वो चीज होती हुई नजर आ रही है कि वो पैशन और ऐसे लोग जो लोग सच में चेंज ला रहे हैं या अपने लेवल पे जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं हमें जरूरत भी है तो ये थी एकता की स्टोरी जिसमें बहुत सारी बातें हमने की और ऐसे ही एक एक इंसान अपने लेवल पे मेहनत करे और जो भी ऑप्शंस अगर, अगर अवेलेबल हैं तो उनको एक्सप्लोर करे एडमेंट ना रहे या मैं कहूँ रिजिड ना रहे किसी एक चीज को लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर ले के क्योंकि जरूरी आपके लिए है कि एक नौकरी लेनी है या इतने सारे फील्ड हैं तो उनको भी हम देखें ऐसा नहीं है कि सब भाग रहे हैं एस की तरफ तो हम भी एस की तरफ ही भागेंगे या दूसरी तरफ भागेंगे मतलब आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी सी अपनानी चाहिए मैंने हर जगह ऐसा नहीं है कि कहीं भी लड्डू है कि टीचिंग में बहुत आसानी से हो जा रहा है कहीं और नहीं हो रहा बहुत सारे लोग हैं जिनका टीचिंग में नहीं हो रहा बहुत सारे लोग हैं जिनका कहीं और हो जाएगा तो आपको देखना है करके ही पता लगेगा कि आपके लिए क्या चीज है क्या नहीं है है ना सही बात है तो कोई और अंतिम बात तैयारी कर रहा है कोई <laughs> तो आपको बतानी हो ऑल द बेस्ट बी फोकस्ड बस मेरे लिए कि हार्ड वर्किंग रहो मेहनत करते रहो गिव अप कभी भी मत करो मत करो। मेरा एक ही मतलब हुआ है नहीं हो रहा ना मेरे से तो मुझे कर सकती है क्यों नहीं कर रही है चलो उठ लो अगर मैं एक क्वेश्चन नहीं करके सोई तो मुझे रात भर ये रहेगा कि क्यों नहीं किया कर सकती है और उठ के ऐसे उठ के सबसे पहले वही करना है कि क्यों नहीं कर सकती कर सकती मेरा ये तो एकता का जो कहने का मतलब है जिससे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप फोकस्ड रहो एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप हो गया आपका ठीक है दिमाग में सेट है कि नहीं छोड़ेंगे आसानी से, but flexibility कि मतलब हाँ, जब जरूरत पड़े चेंज करते रहो ऐसा बदलते रहो हो जहां जरूरत हो टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है चलिए फिर आज के लिए इतना ही ज्ञान होपफुली आपको और इस स्टोरी ने हेल्प की होगी जो एकता जी रही हैं है ना हमारे लिए कहने के लिए सुनने के लिए स्टोरी हो सकती है बट आप लोग को भी मदद मिलेगी और आप भी अच्छा करें लाइफ में अपने आसपास के चैलेंजेस को ओवरकम करें और उस चीज का अपना अलग मजा है कि जब आप वो हर्डल से बाहर निकल के जब थोड़ा ओ, सा होती राइट एक्जेक्टली exactly. तो आगे के लिए भी आपको जो भी आप जिस भी चीज के लिए आगे सोच रहे हैं अच्छा करें जीवन में थैंक यू सो मच वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा